प्रिय साथियों नमस्कार। साथियों, टेस्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से डिस्पैच हुए पुस्तकों का विवरण हम कैसे देखेंगे? यहाँ पे छात्रों को 100% वितरित किया गया है और वितरित किए गए पुस्तकों को हम कैसे देखेंगे? जैसा कि आप सभी लोगों ने, हमारे शिक्षक साथियों ने टेस्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से जो है प्राप्ति दर्ज की है, और प्राप्ति दर्ज करने के बाद पुस्तकों को छात्रों को वितरित करना है। वितरित करने पर जो है हम कैसे कैसे प्रोसेस करते हैं साथियों, तो चलिए हम देखते हैं डिस्पैच हुई पुस्तकों का विवरण एवं छात्रों को 100% वितरित किया गया है तो कैसे देखेंगे, छात्रों की सूची कैसे देखेंगे। ओके साथियों, तो हमारी वीडियो पे आप सभी बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा साथियों। और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी हम आपके लिए वीडियो बना करके अपलोड करें तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ओके साथियों, प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे मध्य प्रदेश टेस्ट बुक ट्रैकिंग ऐप, टेस्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप का जो है ये प्रथम पेज जो है आप सभी देख पा रहे हैं। ओके साथियों, यहाँ पे एरो पर आप क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शाला प्रभारी का जो है यहाँ पेज ओपन होगा। ओके साथियों, इसके बाद यहाँ पे दिया सत्र का चयन करें, तो यहाँ पे जो है 2021-22 और 22-23 और 2023-24, तो जो हमारा वर्तमान सत्र चल रहा है 2023-24। ओके साथियों, इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो है इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया साथियों, यहाँ पर जो है शाला प्रभारी का एक दूसरा पेज ओपन हुआ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे शाला प्रभारी का दूसरा पेज ओपन हो चुका है साथियों। अब यहाँ पे सबसे पहले हम टेस्ट बुक की सूची देख लेते हैं। ओके साथियों, यहाँ पे टेस्ट बुक की सूची देख लेंगे, जैसा कि आप इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेस्ट बुक की सूची है, भाषा भारती इंग्लिश रीडर, गणित का जादू, भाषा भारती पर्यावरण, भाषा भारती पर्यावरण अध्ययन, भाषा भारती। तो यहाँ पे पहली क्लास से लेके पाँचवीं क्लास तक के सभी पुस्तकें यहाँ पे दी गई है, टेस्ट बुक की सूची हम देख लेते हैं। ओके साथियों, इसके बाद जो है टेस्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे साथियों। टेस्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन, यहाँ पे जो है इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर दिया गया है टेस्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन सत्र 2023-24। ओके साथियों, यहाँ पे एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, शाला की डिस्पैच आर्डर, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं साथियों, तो यहाँ पे डिस्पैच क्रमांक बुक्स 85। अब यहाँ पे जो डिस्पैच क्रमांक दिया गया है, यहाँ पे दो प्रकार का डिस्पैच क्रमांक दिया गया है। यहाँ पे जो है एक डिस्पैच क्रमांक में जो है यहाँ पे जो है 85 बुक दिखाया गया है, और दूसरा डिस्पैच क्रमांक है यहाँ पे जो है 90 बुक दिखाया गया है। ओके साथियों, अब यहाँ चलिए देख लेते हैं पुस्तकों की सूची, कौन कौन सी पुस्तकें यहाँ पे दिया गया है। ओके साथियों, अब यहाँ पे जो है इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं प्राप्ति दर्ज करने के लिए, यहाँ पे इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। ओके साथियों, जब इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है पहले से प्राप्ति दर्ज हो चुका है, तो प्राप्ति का जो ऑप्शन है वह यहाँ पे अब शो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे प्राप्ति दर्ज हो चुका है। ओके साथियों, अब यहाँ पे जो एक ऑप्शन है पुस्तकों की सूची, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ प्राप्त हुई पुस्तकों की सूची, अब यहाँ पे जो है डिस्पैच क्रमांक जो यहाँ पे 85 दिया गया है, इस 85 में से जो है प्राप्त हुई पुस्तकों की सूची यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3, यहाँ पे अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 यहाँ पे 15 बुक दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे जो है एफलेन हेत अभ्यास पुस्तिका कक्षा 1 हिंदी विषय पर 5 पुस्तक दिया गया है। इसके बाद यहाँ दिया गया है एफलेन हेत पुस्तिका कक्षा 1 अंग्रेजी, यहाँ पे 5 सेट में दिया गया है, और कक्षा 1 एफएन अभ्यास पुस्तिका 2023-24 गणित। ओके साथियों, तो इस तरह जो है आप पुस्तकों की सूची आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे डिस्पैच क्रमांक प्राप्त पुस्तकें जो है यहाँ पे बुक्स 85 दिया गया है, आपने जो है इसको चेक कर लिया। इसके बाद दूसरा डिस्पैच क्रमांक जिसमें जो है 90 पुस्तक बताया गया है, इसको भी आपने चेक कर लिया। ओके साथियों, अब इसके बाद यहाँ पे बैक हो जाएंगे शाला में प्राप्त पुस्तकें, इस ऑप्शन पे जो है आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे साथियों, अब यहाँ पे गणित का जादू बताया गया है, यहाँ पे गणित का जादू एफएन हेत अभ्यास पुस्तिका 5 पर्यावरण अध्ययन आसपास, इस तरह जो है सभी पुस्तकें यहाँ पे दिखाया गया शाला में प्राप्त पुस्तकें, जो पुस्तकें आपने जो है प्राप्ति दर्ज की है यहाँ पे पुस्तकें जो है बताया गया है। ओके साथियों, यहाँ पे गणित का जादू एफएन हेत अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती इंग्लिश रीडर, तो पहली कक्षा से पाँचवीं तक के जो है शाला में प्राप्त पुस्तकें यहाँ पे दिखाया गया है। ओके साथियों, जो आपने प्राप्ति दर्ज किया है वही प्राप्ति यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसके बाद साथियों, शाला प्रभारी के ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे, इस पेज पे जो है 4 ऑप्शन है। टेस्ट बुक की सूची, जैसा कि आप देख पा रहे हैं टेस्ट बुक की सूची, सूची आपने देख लिया, ऑफिस में उपलब्ध पुस्तकों की सूची, इस ऑप्शन पर बिल्कुल नहीं जाना है। ओके साथियों, अब यहाँ पर टेस्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, टेस्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन। जैसा कि आपने यहाँ पे क्लिक किया, शाला के डिस्पैच आर्डर इसको भी आपने देख लिया, शाला प्राप्त पुस्तकें इसको भी आपने देख लिया। अब यहाँ पे बैक हो जाइए साथियों, एक ऑप्शन है यहाँ पे छात्रों को वितरण प्रबंधन, छात्रों को वितरण प्रबंधन, छात्रों को पुस्तक वितरित करें, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। ओके साथियों, अब यहाँ पे जो है आप क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे जो है, और इस ऑप्शन पे जैसे
क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर दिया गया है शाला में पुस्तकों के स्टॉक की स्थिति देखें। अब शाला में उपलब्ध पुस्तकें अभी सात पे आप क्लिक करेंगे। अब जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपके द्वारा छात्रों को जो पुस्तकें वितरित की गई है टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से, तो यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे यहाँ पे भाषा भारती शेष दो वितरित तीन, यानी कक्षा एक में जो है पाँच पुस्तकें जो है प्राप्त हुई थी और तीन वितरित किया गया। इस आसन पर आप क्लिक करके चेक कर लें। यहाँ पे जो है जैसा आप देख पा रहे हैं पहली कक्षा में तीन छात्र यहाँ पे दर्ज हैं। ओके साथियों, पहली कक्षा में यहाँ पे तीन छात्र दर्ज हैं, इसलिए यहाँ पे वितरित जो है तीन दिखाया गया है और शेष जो है दो दिखाया गया क्योंकि पांच पुस्तकें प्राप्त हुई थी। ओके साथियों, इसी तरह जो है गणित का जादू पहली कक्षा में दो शेष और तीन वितरित। अब इसकी सूची आप कैसे देखेंगे कि हम किन किन छात्रों को जो है पुस्तक वितरित किए हैं, तो इस आसन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है छात्रों की सूची दिखाया जा रहा है। ओके साथियों, तो इस तरह जो है आप जो है भली भांति जो है 100% छात्रों को आप चेक कर सकते हैं। ओके साथियों, और यहाँ पे जो है छात्रों की सूची भी आप देख सकते हैं, शाला में दर्ज छात्र, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शाला में दर्ज छात्र सबसे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके साथियों, और यहाँ पे कक्षा चुने, इस ऑप्शन पर कक्षा चुने और यहाँ पे जो है कक्षा चुनने के लिए यहाँ पे दिया गया है, इस ऑप्शन पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ कक्षा देखिए पहली कक्षा दूसरी तीसरी चौथी और पाँचवीं यहाँ पे जो है कक्षा दिया गया है 6, 7 और 8 भी दिया गया है, लेकिन यदि आपका प्राथमिक स्तर है तो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक आप देख सकते हैं। ओके साथियों, अब यहाँ पे जो है कक्षा 1 देखना है, इस पर आप क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे और कक्षा में उपलब्ध छात्र इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे समग्र आईडी दिया गया है छात्र का नाम। ओके साथियों, और भाषा भारती पुस्तकें, तो इस तरह आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे छात्र की सूची देखने के लिए आप कैसे चेक करेंगे साथ, अब यहाँ पे प्राप्त हुई पुस्तकों की सूची आपने देख लिया। ओके साथियों, अब इसके बाद जो है बैक हो जाएंगे। अब यहाँ पे डिस्पैच क्रमांक, दूसरा डिस्पैच क्रमांक दिया गया है और यहाँ पे जो है बुक्स की संख्या 90 दिखाया गया है। ओके साथियों, अब यहाँ पे इस ऑप्शन पे जो है हम नीचे जो एक ऑप्शन बना हुआ है इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे साथियों। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ इस प्रकार का जो है पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे भी पुस्तक प्राप्ति की जो ऑप्शन है यहाँ पे जो है शो नहीं हो रहा है क्योंकि पुस्तक प्राप्ति हो चुका है, दर्ज हो चुका है, इसलिए ऑप्शन जो है यहाँ से हट गया है। अब यहाँ पे पुस्तकों की सूची दिखाया गया है, यहाँ पे पुस्तकों की सूची दिखाया गया है, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे साथियों, अब यहाँ पे जो है टेक्स्ट बुक वितरण ऐप के माध्यम से ये जो है टेक्स्ट बुक यहाँ पे दिखाया गया है, प्राप्त हुई पुस्तकों की सूची भाषा भारती कक्षा 1 गणित का जादू इंग्लिश रीडर, भाषा भारती कक्षा 2 गणित का जादू, इस तरह जो है आप जो है सभी कक्षाओं का जो है आप देख सकते हैं, ये प्राप्त हुई पुस्तकों की सूची है। ओके साथियों, अब इन पुस्तकों को छात्रों को वितरित करना है तो चलिए हम वितरण वाले ऑप्शन पे चलते हैं। साथियों, छात्रों की सूची, जिन्हें पुस्तक वितरित की जा चुकी है उन छात्रों की सूची देखने के लिए यहाँ पे इस पेज पे जो है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, तो चार ऑप्शन में जो यहाँ पे इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है छात्रों की सूची जिन्हें पुस्तक वितरित की जा चुकी है। ओके साथियों, इस ऑप्शन पे हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस तरह का पेज ओपन होता है। ओके साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पेज ओपन हो चुका है, शाला में उपलब्ध पुस्तकें इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा, जैसे जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे नया पेज ओपन चुका है। अब यहाँ पे वितरित किया गया है तो यहाँ पे छात्रों की सूची आप देख लेंगे, वितरित किया गया है तो इस ऑप्शन पे जो सबसे ऊपर ऑप्शन है यहाँ पे जो है इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। ओके साथियों, यहाँ पे हमने क्लिक किया और जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो है छात्रों की सूची जिन्हें पुस्तक वितरित की जा चुकी है, ये सबसे ऊपर दिया गया है छात्रों की सूची जिन्हें पुस्तक वितरित की जा चुकी है। अब यहाँ पे दिया गया है समग्र आईडी, नाम, वितरित दिनांक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वितरित दिनांक दिया गया है 18/7/2023, यहाँ पे भी वितरित दिनांक दिया गया है, तो इस तरह जो है छात्रों का नाम और वितरित दिनांक आप चेक कर सकते हैं। ओके साथियों, तो ये रहा जो है आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, तो फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, थैंक यू।